हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। बीते कुछ दिन पूर्व पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में गर्रा नदी के पुल के पास पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम घटना के खुलासे के लिए लग गई थी। मृतक की पहचान लोनार थाना क्षेत्र के लोनार गाँव निवासी छोटक के उर्फ छुटाले के रूप में हुई थी। विवेचना के दौरान पुलिस को मामले में कुछ संदेह हुआ तो पुलिस गहराई से मामले की जांच में जुट गई थी, तो मामला बेहद चौंकाने वाला निकल कर आया। मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग एक युवक से चल रहा था, जिस बात का पता जब मृतक को पता चला तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए अंसार को अपनी हिरासत में लिया तो अंसार ने पूरा सच कबूल किया। रात में थाना लोनार क्षेत्र में सवाईपुर पुल के पास छुटल्ले नाम के एक व्यक्ति का शव जो है घायल अवस्था में मिला था। जो है ये शव दिखा, फिर उन्होंने इसको हॉस्पिटल भेजा जहां उसकी डेथ हो गई थी। परिजनों को सूचित करके इसकी पहचान कराई गई। पत्नी द्वारा दो लोगों को नामजद करते हुए इसमें FIR कराई गई थी, लेकिन विवेचना के दौरान यह पाया गया कि पत्नी के संबंध अंसार नाम के एक लड़के से थे, ने एक प्लॉट रचकर और अंसार को के माध्यम से अपने पति की हत्या करा दी थी। आरोपी ने बताया कि मृतक की पत्नी के साथ उसका प्रेम प्रसंग व अवैध संबंध बने हुए थे, जिस बात का पता जब छोटक के को पता चला तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने गर्रा नदी के पुल पर लाकर उसको हथौड़े से पीटकर उसको दर्दनाक रूप से मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी, उसका प्रेमी और उसके मित्र के ऊपर मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।